हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन फॉर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए जी दोस्तों, हम लोग इससे पहले क्या किए, डिस्कस किए हैं यूनिट्स, बहुत सारे क्वांटिटी का यूनिट्स निकालना तय किए थे। पहले तो हमने बेसिक्स जो भी फंडामेंटल यूनिट थे हमने उसको डिस्कस किया, फिर से हमने कुछ जो डेराइव्ड थे यानी व्युत्पन्न मात्रा निकालने की कोशिश की। उसके बाद हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट किए थे। लास्ट क्लास आप देखिए, देखिए अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ इसको ना देखें, क्योंकि लास्ट क्लास में अगर आपने कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस दो लेक्चर में हुए हैं। तो प्लीज़ यूनिट डायमेंशन के वो दो लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, और मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, आप जाइए प्ले लिस्ट में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो प्ले लिस्ट है उसमें आप आगे कर सकते हैं। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग प्लीज़ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए जब तक किसी चैनल पे, अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं जो वीडियो है बहुत लेंदी बनाने वाला हूँ, ये बात तो सही है, तो प्लीज़ मैं दूसरे चैनल की तरह आधे घंटे 15 मिनट का लेक्चर नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए इस टॉपिक पे। तो देखिए बेसिक यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने बेसिक यूनिट में देखिए सब मैंने जो मूलभूत यानी आधारित मात्रक थी उसका मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद डेराइव्ड यूनिट था, व्युत्पन्न मात्रक था उसका डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वांटिटी का क्या किया था, हमने डेराइव यूनिट निकाला था। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डिस्कस किया था, तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो अब बात करते हैं, आज कुछ ऐसे चीज़ है जिन्हें हमें याद करना है। तो ये आप देखिए, एक बैरल बराबर क्या होता है 159 लीटर, 1 गैलन बराबर क्या होता है 3.785 लीटर, 1 लीटर बराबर क्या होता है 0.264 गैलन। देखिए तो ये सब याद करने वाला है, लेकिन आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10^4 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा यूज आएगा। फिर से ए 1 kg बराबर 2.205 पाउंड है, वैसे ही कुछ दूरी का है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय मात्रक क्या होता है जी 1.495 × 10^11 मीटर। लाइट ईयर की एक प्रकाश वर्ष क्या होता है 9.4 × 10^12 किलोमीटर। 1 पार्सेक जो है, देखिए पार्सेक जो होती है दूरी की सबसे बड़ा मात्रक होता है। देखिए हम यहाँ पे फालतू कोई भी बातें कमेंट ना करें, प्लीज आप लोग वही कमेंट करें जो टॉपिक में डाउट हो। मैंने देखा प्रीवियस क्लास में बहुत सारे ऐसे कमेंट हुए थे कि आप सर ये टॉपिक पढ़ा दी। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो स्कोरिंग है, मैं पहले उसको डिस्कस करा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, जो स्कोरिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप लेक्चर को ध्यान से सुने और कोशिश करें समझने की। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो यूनिट एंड डायमेंशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से ही पता चला है कि रियली में समझ में आया है या नहीं आया है। अब देखिए तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन्हें भी सजेशन करें कि ये क्या है क्लास जो है थ्योरी है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एग्जाम का देखिए इसमें क्या किया है, हर चैप्टर में क्या किया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ तो याद करने वाले हैं उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकल है उन्हें तो बना सकते हैं। चलिए जी अब आते हैं, कुछ कभी कभी क्या होता है कि कन्वर्जन जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या लिखा है 10^6 मीटर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कन्वर्जन जरूरी हो जाता है, जिसके अनुसार ये बहुत दिक्कत हो जाता है कि देखिए अगर कि क्या याद रखें क्या ना याद रखें। देखिए तो हम जनरली आप लोगों से ये बातें पूछना चाहेंगे, आपने मेमोरी कार्ड तो देखा है। देखिए मेमोरी कार्ड में क्या होता है, एक बाइट जो होता है उसको लिखते हैं 8 बीट के बराबर, 8 जो बीट होता है उसको वो 1 बाइट लिखते हैं। तो वैसे ही एक, फिर से आइए, 1 बाइट यानी 1024 यानी 1 KB को लिखते हैं 1 MB लिखते हैं जी, और एक मतलब 1000 KB को 1000 KB को क्या लिखते हैं जी। देखिए हम ऐसे होता है 1024 KB बराबर
1 MB, लेकिन हम लोग यहाँ पे याद करने का ये ढूंढ रहे हैं कि हम लोग ये 10 के पावर सब याद कर ले, तो इसलिए हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो 1000 KB बराबर क्या होता है जी, तो 1 MB होता है, 1000 MB बराबर होता है 1 GB होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और 1000 TB का हार्ड डिस्क लिए, 1000 GB का हार्ड डिस्क लिए उसको 1 TB बोलिएगा, और 1000 TB का भी अगर हार्ड डिस्क का 1000 TB का टीबी लीजिएगा तो उसको क्या बोलिएगा, पीबी, 1 PB बोलिएगा। यानी देखिए यहाँ जो के है क्या है, किलो है, ये मेगा है, ये गीगा है, ये टेरा है, ये पेटा है, ठीक है। मेगा का मतलब 10 के पावर क्या होता है, देखिए यहाँ पे है मेगा का पावर 10 के पावर क्या है जी, 6 है, 10 के पावर 6 हो जाएगा। देखिए किलो का मतलब 10 के पावर 3 होता है, किलो का मतलब 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 यहाँ पे, तो 10 के पावर 6 हो गया ना जी। यहाँ पे देखिए 10 के पावर 6 इसका मतलब है 10 के पावर 3, 10 के पावर 9 हो गया, 1 GB बराबर, 1 TB बराबर क्या हो जाएगा, जी मतलब 10 के पावर 9 है, ये 3 है, 10 के पावर 12 क्या हो जाइएगा, 1 TB हो जाएगा। वैसे ही आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेगा का मतलब क्या है, 10 के पावर 6, मेगा का मतलब क्या है जी, 10 के पावर 6, गीगा का मतलब क्या है, 10 के पावर 9, टेरा का मतलब क्या है, 10 के पावर 12, पेटा का मतलब क्या है, 10 के पावर 15, ठीक है। अब याद करिए हम लोग बचपन में क्या ये करते थे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो देखिए मिली का मतलब 10 के पावर -3, सेंटी का मतलब 10 के पावर -2, डेसी का मतलब 10 के पावर -1, डेका, डेका का मतलब क्या होगा, 10 के पावर 1, हेक्टो किलोमीटर, ऐसे पढ़ते थे ना, हेक्टो का मतलब 10 के पावर 2 होगा, किलो का मतलब 10 के पावर 3, ठीक है। अब उससे भी नीचे आते हैं, 10 के पावर अगर -6 रहे तो क्या है, माइक्रो होता है, देखिए माइक्रोस्कोप जानते हैं ना, तो वो होता है 10 के पावर -6, छोटे 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 मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको भी मेजर किया जाता है, तो माइक्रो है। 10^-9 क्या है, नैनो है। 10^-12 क्या है, पीको है। 10^-15 क्या है, फर्मी है। देखिए ये जो है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का साइज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है फर्मी, न्यूक्लियर का। एंगस्ट्रम या नैनो किसका यूज किया जाता है जी, ये वेवलेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कन्वर्जन है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा हो सकता है इसलिए इसको दिया गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, ये कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या हमें, देखिए यहाँ पे बोला है निम्न में से किस जोड़े की एक सी विमाएं हैं, तो हमने, हम लोगों को अगर विमा नहीं पता है तो क्या करेंगे, संवेग का निकालेंगे। संवेग बराबर क्या होता है जी, पी बराबर, संवेग बराबर एम भी, इसका क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होता है जी, ऊर्जा यानी कार्य, कार्य का मतलब क्या है जी, कार्य, वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट निकालते हैं, तो देखिए क्या होता है, ऐसा यूनिट निकालना है, इसका क्या होता है, मास का केजी होता है, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसका निकालते हैं। फोर्स का क्या होता है जी, एफ का एम ए, एस का, चलिए एम का क्या हो जाएगा, केजी, इसका एक एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण जी, एस का मतलब क्या होता है, मीटर। तो देखिए क्या यहाँ से आया, नहीं है जी, तो ये क्या है, आंसर नहीं है। देखिए आंसर क्या है जी, पहला का आंसर ए नहीं है, पहला का आंसर डी है। चलिए तो हम ऐसे ही करेंगे, ऊर्जा का आवेग का निकालेंगे, ऊर्जा का हमने निकाल लिया यहाँ पे, संवेग का निकाल लिया, आवेग का, आवेग क्या होता है जी, आवेग क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, एफ गुने टी होता है, एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए गुने टी, इसका क्या हो जाएगा, के जी, ए का मतलब क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण है, टी का मतलब क्या है, सेकेंड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये भी आवेग का ऊर्जा के बराबर है, नहीं बराबर है, तो नहीं हो सकता है। बल और शक्ति का, बल और शक्ति का देख लीजिए, बल का क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एम ए का मतलब के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, शक्ति का क्या होता है जी, पावर, यानी ऊर्जा बट्टा क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा समय मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, पावर हो जाएगा। बराबर हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता है। चलिए वेग और संवेग, आवेग हमने निकाल लिया है, देखिए आवेग का हमने निकाला है, संवेग का हमने निकाला है, संवेग का यहाँ पर निकाला है, देखिए दोनों का बराबर है जी, हाँ बराबर है, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चंस बनाने हैं हमें, और अच्छे से समझ के बनाने हैं, ठीक है जी। देखिए कौन सा आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है जी, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
मास अपॉन वॉल्यूम किसमें है, मास अपॉन वॉल्यूम में है। देखिए पहले फॉर्मूला निकालिए, उसके बाद क्या करिए उस यूनिट को रखिए, तो क्या हो जाएगा, टू का ए, टू का देखिए क्या है, टू का डी है, ठीक है। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, देखिए अपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है जी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जैसे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए तो इसका डेंसिटी है तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसका भी वाटर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका भी क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो अपेक्षिक घनत्व क्या क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी है। देखिए हमने फॉर्मूला में थोड़ा सा गलती कर दिया तो इसलिए दीपक हो गया। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व होगा, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट क्या बचेगा, नहीं बचेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे देखिए निम्नलिखित युग्म में जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है, समान विमीय सूत्र होता है। देखिए विमीय सूत्र की नहीं बात बोल रहा है, यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है। देखिए बीमा निकालना है या यूनिट निकालना है, हमको बात वही है। देखिए यूनिट निकाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि बीमा भी सेम आएगा। देखिए कार्य है, स्थिति ऊर्जा है, कार्य और स्थिति ऊर्जा क्या है जी, कार्य का देखिए निकालिए, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ गुने एस, एस क्या है जी, विस्थापन है, ये बल है, विस्थापन है, बल है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए गुने एस, फिर से देखिए एम का क्या हो जाएगा, के जी, एक्सेलरेशन त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस क्या है, डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आया यूनिट क्या आया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्या है, स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, एम क्या है जी, वजन है, मास है, तो के जी हो जाएगा, जी क्या है जी, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एच क्या है, मीटर में होता है हाइट, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट सेम आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जी, थ्री का क्या है, थ्री का ये। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाले जो भी कंसेप्ट बताते हैं और रटने का जो काम करते हैं, जो आपने एसपीडी में पढ़ा है, अदर बुक में पढ़ा है, लूसेंट में पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, वो सब गलत तरीके हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। और बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं कंपटीशन पे, अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही रटने वाले क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए कितना रटिएगा, इस चैप्टर को बनाइए, देखिए आप इस क्वेश्चन को चैप्टर को बनाइए, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए मेरे से नहीं पढ़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं और से पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट इसका तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन है, कम से कम 73 क्वेश्चन है, तो 73 क्वेश्चन बनाने की तो कोशिश करें, तो यही है, बहुत अच्छा है, हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एटलीस्ट सेट लगाइए, पढ़िए कहीं से भी, यहाँ से पढ़िए, मेरे से पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, और सेट लगाइए। मेरा मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ। ऐसे ही प्रणाली में यंग प्रस्थान, आगे बढ़ते हैं जी। ऊष्मा की मात्रा कैलोरी लगभग बराबर होती है, तो देखिए कैलोरी बराबर क्या होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 अप्रॉक्स, क्या होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4.2 नहीं लिखा है, लेकिन 4.184 लिखा है, तो ये आंसर होगा। देखिए हमने अप्रोक्स याद किया है 4.2, देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 4.2, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि 4.184, इसी को अप्रोक्सीमेशन हमने करके क्या बनाया था, यहाँ पे 4.2 बनाया था, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रणाली में यंग प्रस्थता गुणांक की इकाई क्या है, देखिए यंग प्रस्थता का देखिए वाई का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया विकृति, डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, विकृति है, तो ये क्या है मेरा प्रतिबल है, प्रतिबल है, ये मेरा क्या है, विकृति है। देखिए इसका यूनिट निकलेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, यंग प्रस्थता का निकल जाएगा गुणांक का। चलिए तो फोर्स का क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, डेल्टा एल बाई एल क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आंसर मेरा हो जाएगा। देखिए तो कोई भी चीज़ को हमें फार्मूला लिखना है, याद कीजिए हमने क्या स्टेप याद किया था जी, हमने स्टेप याद किया था कि किसी भी चीज़ का अगर यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला यूनिट की वैल्यू, यूनिट के लिए जिस चीज़ का निकालना है उसका हमें फार्मूला लिखना है, फार्मूला में जो जो क्वांटिटी हो उसका एस आई निकलना है, ऑल क्वांटिटी का क्या करना है जी, एस आई यूनिट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, पुट एस आई यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटी। उसके बाद क्या करना है, सबका एस आई यूनिट पुट करना है, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कैंसिलेशन अगर हो रहा है, जो कैंसिलेशन हो रहा है कैंसिलेशन कीजिए, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये चार पांच स्टेप याद रखना है। अब बात आती है कि भाई कितना याद रखेंगे, तो बेसिक याद रखिए ना, डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए 10, बात खत्म। उससे 20-30 याद करिएगा, 50 याद कीजिए, 60 यूनिट याद करने से कोई फायदा है, बेसिक याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, बात खत्म। फॉर्मूला देखिए आजकल तो न्यूमेरिकल भी बनने लगे, आपको पता है ग्रुप डी में जब न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, एल को में न्यूमेरिकल पूछा जा गया फर्स्ट स्टेज में, आपको लगता है कि सेकंड स्टेज में नहीं पूछा जाएगा, सेकंड स्टेज का फर्स्ट पार्ट को छोड़िए, सेकंड पार्ट में भी ये न्यूमेरिकल्स, और वहां पे भी आपको ये टॉपिक्स हैं, तो आपको फॉर्मूला से तो आप कभी बच नहीं सकते, फॉर्मूला से आप कभी बच नहीं सकते, ये बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए एक क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन सेशन है, तो प्लीज़ मैं जो बच्चे ये लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके आप लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि आपको दिक्कत होगा मुझे पता है, ये आप देखिए मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अगर आप ये पहले से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और वही चीज़ें फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखिए पढ़ने के लिए कहीं से पढ़िए, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यही है, देखिए अगर एक कंसेप्चुअली मैंने जो पढ़ाया है उसको आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता हुआ तो आप डिस्कस कैसे कीजिएगा, यहाँ पर डिस्कस ही नहीं हो पाएगा। देखिए अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, इतना टाइम लग रहा है, अब सोचिए जिसको पता होगा वो क्या करेगा, 1 से 2 सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेगा, 1 से 2 सेकंड में कंप्लीट करेगा, यहाँ तक कि वो अगर मान लीजिए उसको नहीं आ रहा है तो ऑप्शन भी छांटने में हेल्प लगेगा ना, जब बेसिक नॉलेज आपको बेसिक फंडा पता रहेगा तो ना आप ऑप्शन छांट पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, संवेग द्रव्यमान और वेग में निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम वी होता है, तो आ गया बी ऑप्शन, केजी मीटर वेट निम्नलिखित में से समतुल्य है, एक मिनट, अच्छा किलोग्राम, अच्छा सॉरी किलोग्राम वेट निम्नलिखित में समतुल्य है, देखिए जी 1 किलोग्राम, देखिए जी अगर 1 किलो आप लीजिएगा 1 किलो तो उसका वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है जी, यानी वेट माने फोर्स, फोर्स मतलब क्या होगा जी, एम जी, एम जी क्या हो जाएगा, एम 1 kg लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जी का वैल्यू क्या होता है 9.8, तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा, आंसर हो गया मेरा 9.8 बी आंसर। जूल की इकाई बात करते हैं, जूल क्या है जी, ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए बात की जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है क्यू है, वी क्या है वोल्ट है, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, क्यू भी क्या होता है मेरा, क्यू इंटू वोल्ट मेरा क्या देगा जी, देखिए अगर हमको ऊर्जा निकालना होगा तो क्या करेंगे जी, जो ये देखिए वोल्टेज जो है, वोल्टेज का डेफिनेशन पढ़िएगा तो बोलेगा कि वोल्टेज क्या होता है, कार्य बटा क्यू, कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कार्य क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य किया गया उसको क्या बोलते हैं, चार्ज, कार्य बोलते हैं, तो कार्य ही तो मेरा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल ऊर्जा है, तो सबका तो यूनिट सेम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है निरूपित किया जाए, अभी व्यंजक निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा संवेग दाब, देखिए हमको ऑप्शन से छांटना है, तो संवेग का क्या होता है, पी बराबर एम वी, एम का क्या हो जाएगा जी केजी, देखिए मास है तो केजी को क्या लिख सकते हैं, देखिए बीमा की बात की जाएगी, ये बीमा लिखा हुआ है, तो बीमा में क्या होता है केजी को, देखिए यूनिट होता है केजी, लेकिन बीमा क्या होता है कैपिटल एम होता है, वेलोसिटी क्या है जी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है यूनिट, लेकिन उसका बीमा क्या है, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है,
लेकिन वही बात कीजिएगा, मीटर लेंथ है तो लेंथ को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, सेकंड को क्या लिखेगा, टी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, यह है आंसर, नहीं है तो संवेग नहीं हो सकता। दाब की बात करते हैं, दाब क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है जी, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का एम ए फॉर्मूला होता है अपॉन एरिया, एम का क्या होता है जी, तो के जी होता है, एरिया क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया क्या होता है जी, तो मीटर स्क्वायर होता है, कैंसिल आउट कीजिए, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम इनवर्स एल टी माइनस टू, है नहीं है जी, दाब भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा का, एम जी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी, एम का क्या होता है, मास होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एल मीटर के लिए, सेकंड के लिए टी, इसको स्क्वायर भी करना है, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आंसर हो गया, तो गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ऑप्शन से छांटना है और इसी को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरह सारे क्वेश्चन कीजिए, तरंग दैर्ध्य तो ज्योति तीव्रता, ये देखिए जी का आयाम, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन हमने लास्ट में क्लास में किया भी था और यहाँ पे भी देखिए जी का आयाम पूछा गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसी में जो जी है उसका क्या करना है जी, हमको आयाम बताना है, बीमा बतानी है, तो हम पहले तो इसका तो फॉर्मूला ड्राइव करें, ये जो बेसिक पांच फंडे हैं ये आप याद रखिए, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, देखिए फोर्स है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम एम ए आर स्क्वायर एम वन एम टू, एक एम से देखिए, अब बीमा लिखना है तो बीमा तो डायरेक्ट कट सकता है ना जी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये क्या है, सॉरी देखिए मीटर को एल लिखते हैं जी, सिंपल देखिए मैं भी गड़बड़ा हूँ, एल आर स्क्वायर तो एल लेंथ ही होता है, आर स्क्वायर एम के लिए क्या, मास है, मास के लिए क्या होता है, एम होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, एम इनवर्स एल थ्री टी माइनस टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम इनवर्स एल थ्री टी टू, ये हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है, कंसेप्ट सीखिए, सारे आंसर सवाल कीजिए। देखिए मैं वैसे आपको फालतूगिरी बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, जो है बेसिक कंसेप्ट सीखिए उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपको थोड़ी सी भी डाउट होगी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लॉजिक बिल्डअप करें उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, आप इन्हीं सब क्वेश्चन को बनाए, देखिए शुरुआत में तो आपको टाइम भी लेगा क्योंकि आपको कंसेप्ट पता ही नहीं, कंसेप्ट सीखने में ही टाइम लग रहा है, तो इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी है और ये समझने की भी ज़रूरत है। देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, कोणीय संवेग का फिर से आ गया आपको, जूल सेकंड की, देखिए जूल सेकंड इकाई है, अब जूल क्या आती है जी, आपको पता है जूल क्या होती है, ऊर्जा की होती है, तो ऊर्जा तो हो नहीं सकता क्योंकि जूल सेकंड है, ऊर्जा का निकालिए, कोणीय संवेग का निकालिए, देखिए हमने पढ़ा था कि कोणीय संवेग और आवेग, आवेग और संवेग की आवृत्ति क्या होती है, तो यहीं से आपको समझ सकते हैं एफ और टी क्या है, आवेग है, एफ और टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, संवेग के बराबर हो जाएगा, यही सब समझने की ज़रूरत है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझे इस सब कंसेप्ट को, पहले कंसेप्ट समझे ये बहुत जरूरी है। अगर जो भी बच्चा है, मैं जिन सभी स्टूडेंट को ये कर रहा हूँ, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर पढ़ने की कोशिश करें। देखिए यहाँ संवेग का है, इसने निकाल दिए हैं, घनत्व का सी जी एस मात्रक निकालना, देखिए घनत्व का निकालना है, सॉरी हम यहाँ थे ना, ताप का मापने की इकाई, ये सब तो फंडामेंटल है। देखिए बल अपॉन क्षेत्र, देखिए बल का क्या होता है जी, बल अपॉन क्षेत्र क्या होता है, तो आपको पता है ये वयंग मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका तो यूनिट होगा नहीं, इसी का यूनिट होगा, तो बल अपॉन क्या हो जाएगा जी, क्षेत्रफल किसका गुणांक हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थ का गुणांक हो जाएगा, सॉरी प्रत्यास्था नहीं, यंग गुणांक हो जाएगा, ये क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो यंग गुणांक हो जाएगा। यहीं से ही ध्यान देना है, निम्न राशियों में कौन से भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है जी, तो बल का दाब का क्या होता है, एक होता है जी, नहीं होता है। कार और ऊर्जा, कार ऊर्जा एनर्जी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा ये सब बराबर होते हैं, भार और बल बराबर होता है, नहीं जी, भार बराबर क्या होता है, भार बराबर
एफ, देखिए भार बराबर वेट बराबर क्या होता है जी, एम और जी होता है, ये क्या है मास है, ये क्या है वेट है, तो दोनों का यूनिट बराबर थोड़े ना है, नहीं हो सकता क्योंकि जी तो भी मल्टीप्लाई है ना, अब एक संवेग का होता है तो इसे बल और दाब क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, देखिए ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, वाट क्या होता है पावर का होता है, किलो वाट क्या होता है, किलो वाट घंटा है जी, ये न्यूटन मीटर। देखिए बात की जाए कार्य का, तो कार्य क्या बराबर होता है, एफ गुने एस होता है, ये विस्थापन है, क्या है बल है, तो इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, देखिए ये आंसर है न्यूटन मीटर, तो ये सही है। किलो वाट घंटा आप लोग तो जानते ही हैं कि आपके यहाँ जो घर की बिजली आती है किलो वाट घंटा, वही तो यूनिट होता है, 1 किलो घंटा, 1 किलो वाट घंटा जो, 1 किलो वाट घंटा जो होता है उसको 1 यूनिट बोलते हैं, वो तो ऊर्जा की ही, जूल भी ऊर्जा की है, तो वाट क्या है पावर का है, तो ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है वो पता ही, 746 वाट। सीजीएस सिस्टम में बल की इकाई क्या होती है जी, डाइन होती है, उसको याद करना है। सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, प्लीज़ प्लीज़ देखिए यहाँ पे जी की फिर से इकाई पूछ रहा है, जी का हमने अभी निकाला था ग्रेविटेशनल का, तो ये सब ध्यान दीजिए, बात वही है, सारे वही कंसेप्ट क्वेश्चन हैं, लॉजिकल क्वेश्चन वही हैं, बस हमें अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको भी पता है कि जो अभी देखिए ग्रुप डी में ही जो क्वेश्चन आ रहा है अभी क्या है, कितना प्रॉब्लम है, पहले यही क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, क्वेश्चन वही है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा क्या है, ट्विस्टेड है, यही दिक्कत आ रही है। और आपको ये पता है कि आपको फर्स्ट सेकेंड स्टेज में फर्स्ट पेपर है थोड़ा, तो ये बात तो है कि ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लड़का को अब लेना नहीं, लड़का को अब छांटना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो लड़का को लेना था, बताइए 36 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया, उसमें से आप 9 लाख लड़के को ले रहे हो, तो क्या है छांट थोड़ी ना रहे, तो सिलेक्शन कर रहे हो आप, लेकिन अब जो है जी अब तो छांटना है लड़कों को, तो अब पेपर क्या होगा, हार्ड ही हार्ड बनेगा, इसलिए ध्यान दीजिए और जम के मेहनत कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। देखिए जी ऊर्जा का है, ऊर्जा का हमने सब डिस्कस कर रखा है, अब वही सब बातें हैं, ऊष्मा संवाहक गुणांकता है, ऐसा ही पति है, हमने ये सब डिस्कस कर रखा है, देखिए नैनो है, माइक्रो है, पीको है, एंगस्ट्रम है, प्रकाश वर्ष। देखिए मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, ये तो बात है, तो प्लीज मेरी स्पीड के साथ आप लोग भी अपना हारमोनी बनाइए, हारमोनियस होना बहुत जरूरी है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप लोग पता ही है, तो प्लीज आप मेरे साथ होमोजीनियस मिक्सचर की तरह एक्ट करें। और देखिए जो जो